press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के बाद अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति मीर जाफर की भी एंट्री हो चुकी है। अपना दल कमरेवादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें मीर जाफर करार दिया है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को इशारों में मुसलमानों का मीर जाफर बता दिया है। पल्लवी ने कहा है कि जिस तरह से गद्दार सेनापति मीर जाफर की वजह से 18,000 सैनिक होने के बावजूद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 150 अंग्रेजों के सामने हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह यूपी के मुसलमान मीर जाफर अखिलेश यादव के चलते हाशिए पर हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले मीर जाफर कतई भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में हारे। मीर जाफर की असलियत को लोग जान चुके हैं, इसलिए अब बीजेपी को हराने वाले लोग पीडीएम को वोट करेंगे। अखिलेश यादव को बताया कन्फ्यूज नेता। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को कन्फ्यूज नेता भी बताया और कहा कि वो पीडीए में ए को लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। कभी ए को अल्पसंख्यक बताते हैं तो कभी आधी आबादी बताते हैं, कभी अगड़ा बताते हैं तो कभी ऑल बताते हैं। हमने पीडीएम बनाकर एम मुसलमानों के लिए रखा है। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में किसी मुस्लिम महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि ऐसी महिला को बनाया जिसने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया। पल्लवी पटेल ने मौत के घाट उतारे जा चुके माफिया अतीक अहमद की भी जमकर तारीफ की और अतीक को कर्मठ और जुझारू प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद माफिया था, यह सिक्के का ना सिर्फ एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि वह जनता द्वारा चुना गया सांसद विधायक भी थे। अखिलेश यादव मुसलमानों को मुर्गी समझते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन उनके हक और अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद भी अखिलेश यादव ने कोई आवाज नहीं उठाई। वो मुसलमानों के लिए ना तो सदन में बोलते हैं ना सड़क पर बोलते हैं। अतीक को सजा देने का काम न्यायपालिका का था, लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई है उससे समाज के एक बड़े तबके की भावनाएं आहत हुई है। जिन लोगों को भावनाएं आहत हुई है उनसे अपील करते हुए वह दरी बिछाने तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएं और सही विकल्प चुनें। बाकी जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने मीर जाफर की अखिलेश यादव की तुलना मीर जाफर से की है, इस पर अपनी राय बदलें। धन्यवाद।